तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, आप जानना चाहते हैं कि 82 में कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, आप तो बस एग्ज़ाम देके चले आते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम के बाद उन कॉपियों का क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ जो अपने टीचरों से ये सारी नॉलेज इकट्ठा की है कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि ये वीडियो कैसी है और बाकी लोग जब इसको देखने आएंगे तो उन्हें भी लाइक से पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या होता है, दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आप जब पेपर, उन पेपरों का क्या होता है, पेपर वहाँ से तुरंत रवाना कर दिए जाते हैं। कहाँ पर, वहाँ के जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लखनऊ में रहता हूँ तो मैं जहाँ पर भी AKTU का अपना सेमेस्टर का जो पेपर देने जाता हूँ तो वहाँ पर जो भी मतलब सेंटर होता है वो सेंटर की सारी कॉपियाँ, चाहे जितने लखनऊ भर में जितने भी सेंटर होंगे उसकी सारी कॉपियाँ पोस्ट ऑफिस पे भेज दी जाती है, लखनऊ के पोस्ट ऑफिस पे। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कानपुर में जो बच्चे होंगे AKTU से रिलेटेड तो उनकी जो भी कॉपियाँ होंगी वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस पे भेज दी जाती है। फिर उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस वाले उसको वहाँ तक AKTU यूनिवर्सिटी तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो सारी कॉपियाँ वो गाड़ी में भर के वहाँ तक ले जाती हैं। फिर वहाँ जितनी भी कॉपियाँ होती हैं उन सारे उसके सारे पेजेस को स्कैन किया जाता है AKTU यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, वहाँ पे ढेर सारी बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं। ठीक है, सारी कॉपियों को मतलब स्कैन कर लिया जाता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। ठीक है, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है इसमें। और साथ ही साथ उसके बाद से क्या होता है, सारे अपने अपने मतलब अलग अलग कॉलेजों में एक वो बनाई जाती है, एक व्यवस्थिका बनाई जाती है जहाँ पे मतलब ढेर सारे टीचर आते हैं। तो अब ये टीचर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अब टीचर को कैसे कॉपी मिलती है चेक करने के लिए, अब ये सारी स्कैनिंग जब हो गई तो मतलब वो ऑनलाइन पढ़ गया, मतलब वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि अब कभी भी मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ टीचर, ठीक है, मुझे AKTU की कॉपी चेक करने जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मुझे कॉलेज, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ मुझे पढ़ाना मतलब कहीं पर पढ़ा, प्रेजेंट टाइम में मैं कहीं पढ़ा रहा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉलेज मुझे, मेरा कॉलेज मुझे लेटर देता है कि फला जगह से कि मतलब ये चीज़ एक जगह कॉपी चेक हो रही है, आपको जाके यहाँ पर बुलाया गया है, आप जाना हो तो जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर कॉलेज लेटर देता है, मैं वहाँ पर जाता हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे जहाँ कॉपियाँ चेक होती हैं, फिर वहाँ दिखाता हूँ तो मुझे एक आईडी कार्ड अलाउ होता है। ठीक है, उस आईडी कार्ड के पे सब्जेक्ट लिखा रहता है कि मैं इस सब्जेक्ट की कॉपियाँ को चेक करूँगा। ठीक है, तो जब ये वो ले जाके मैं उसके बाद कंप्यूटर, मुझे एक सिस्टम मिलता है जहाँ पर मैं अपनी आईडी से लॉगिन करके और जो भी मतलब कॉपियाँ होती हैं वहाँ पर सारे बच्चों की आ जाती हैं, तो पर कॉपी को ऑनलाइन ही वो टिक करते रहते हैं। ठीक है, कि हर पेज को। और एक चीज़ और मैं बता दूं, तो जो भी टीचर होते हैं वहाँ जितने भी आपकी 3200 पेज की कॉपी होती है उसको पलट पलट के देखते हैं, भले ही आपने बीच में 2-3 पेज छोड़ दी भी दिया हो ना लास्ट तक, जैसे 32 पेज की कॉपी होती है तो अगर जैसे मान लीजिए आपने बीच में 5 पेज भी छोड़ दिया ना तो लास्ट में अगर आपने कहीं लिखा होगा तो वो भी सारी चीज़ें एग्जामिनर को देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं लिखे तब भी एग्जामिनर को मतलब पूरी कॉपी जाँचनी ज़रूरी होती है, ये AKTU का रूल है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक कॉपी का जो मतलब पैसा मिलता है टीचर को वो 25 रुपये मिलता है, 25 से 35 रुपये इसी के बीच में मिलता है। ठीक है, तो और मैं कुछ बताऊँगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चैलेंज की। तो चैलेंज में क्या होता है, चैलेंज जब किया जा, जब कोई बच्चा चैलेंज करता है तो यानी 5000 रुपये जब वो देता है, ठीक है, तो एक अलग से एग्ज़ाम मतलब टीचर बुलाए जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए। तो उस समय जो कॉपियाँ चेक करता है ना एग्ज़ामिनर जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके, ठीक है, तो उनको जो 1000 रुपये मिलता है पर कॉपी का, 1000 मतलब चैलेंज के अब जो कॉपी होती है उसको 1000 मिलता है अगर चेक करा जाए तो एक टीचर को। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे काफ़ी टीचर जब भी चैलेंज का मतलब कॉपी चेक होती है तो उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है ना वो यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में, तो जो भी जैसे सिविल इंजीनियरिंग की जो भी कॉपियाँ होती हैं हमारे HOD सर को फ़ोन कर दिया जाता है तो उनके जो भी टीचर होते हैं वो सबको बता देते हैं और वो चले जाते हैं कॉपी चेक करने। तो कुछ इस तरह से कॉपियाँ चेक होती हैं। तो कुछ यही बातें थी जो एग्ज़ाम की ड्यूटी फीस। हाँ, एक चीज़ और, एग्ज़ाम ड्यूटी फीस मतलब जो भी अगर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस समय जो भी लोग टीचर गाड़ी कर रहे होते हैं क्लास में, ठीक है, उनका एक ड्यूटी का, एक 3 घंटे का जो आपका पेपर होता है उनको उसकी कितनी सैलरी मिलती है, 300 से 400 रुपये सैलरी मिलती है। ठीक है, पर 3 घंटे और 4 3 घंटे का जो भी पेपर आपका होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं एक ही से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।